आरएएस मेंस परीक्षा को पोस्टपोन करने की मांग लगातार तूल पकड़ती जा रही है। छात्र आंदोलन को उतारू है। इसी क्रम में शुक्रवार को अभ्यर्थियों ने पिंक सिटी प्रेस क्लब में एक प्रेस वार्ता आयोजित की और इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में काबिज रामराज्य रूपी बीजेपी सरकार से लगातार आरएएस मेंस परीक्षा के छात्र परीक्षा को स्थगित करने की मांग कर रहे हैं, बावजूद इसके सरकार के कानों तले जू तक नहीं रेंग रही है। ऐसे में छात्रों ने बताया कि शनिवार को बीजेपी सरकार के सद्बुद्धि के लिए सामूहिक रूप से यज्ञ किया जाएगा और इस दौरान हनुमान चालीसा का पाठ भी किया जाएगा। इसके बाद भी यदि सरकार नहीं मानती है तो रविवार को जबरदस्त सांकेतिक आंदोलन भी किया जाएगा। वार्ता में बताया गया कि सरकार से छात्र लगातार परीक्षा के स्थगन सहित आरपीएससी को भंग करने की मांग कर रहे हैं। अपने चुनावी घोषणा पत्र में किए गए दावों पर अमल करने, आरपीएससी अध्यक्ष को निलंबित करने समेत कई मांग है जो अभ्यर्थी लगातार कर रहे हैं। अभ्यर्थी का कहना है कि बीजेपी सरकार को छात्रों के हितों को लेकर काम करना चाहिए। बीजेपी सरकार से छात्रों को बहुत उम्मीदें हैं। छात्रों के धैर्य की परीक्षा ना ले, वरना छात्रों को मजबूरन सड़कों पर उतरना पड़ेगा, जिसका खामियाजा बीजेपी सरकार को लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। इन्होंने पिछली बार 2021 में भी यही बात बोली, जब छात्रों ने आंदोलन किया था मेंस को लेकर के, तब भी उन्होंने यही बात बोली कि हम जल्दबाजी में करवाना चाह रहे हैं और इस प्रोसेस को फास्ट करेंगे। लेकिन उन्होंने काम फास्ट नहीं किया। 3 माह में एग्जाम करवाने के बाद में 15 माह बाद में इंटरव्यू होते हैं, यानी कि जो समय वो 3 माह हमारे को प्री और मेंस के बीच में देना चाहिए वो यहाँ न देकर के उन्होंने 15 महीने और खींच लिया। उसको बोला कि अगली वैकेंसी आएगी उसमें आपको प्रॉपर पूरा शेड्यूल देंगे। उन्होंने न तो एडवर्टाइजमेंट के टाइम पे एग्जाम डेट दी, ना प्रीलिम्स की एग्जाम डेट थी उसके साथ में डेट दी। उन्होंने प्रीलिम्स के एग्जाम का रिजल्ट आया उसके बाद में उन्होंने वो डेट का अनाउंसमेंट किया, जो गलत है। इनको 1 साल पहले बताना चाहिए, क्योंकि आरएएस की वैकेंसी हर 3 साल से आती है। इसलिए हम ये मुद्दा बार बार उठा रहे हैं कि एग्जाम को पोस्टपोन करो और 3 माह का समय दो, क्योंकि नए जो लोग होते हैं, नए अभ्यर्थी हैं, उनका भी सोचो, क्योंकि जो मतलब पुराने लोग अब लोग इसमें सिलेक्ट हो जाते हैं। सर, मुख्य मुद्दा ये है कि अब तक जितना हमने जो टाइम प्रिडिक्ट किया था ना, जो टाइम अब तक ये लोग मेंस के लिए दे रहे थे मिनिमम, वो तो लेके चलेंगे ना, हम जो रेफरेंस लेंगे उसी टाइम का लेंगे ना जो अब तक मिनिमम इन्होंने दिया है। तो हमको वो मिनिमम टाइम दिया जाए, एटलीस्ट हमको 3 मंथ्स और दिए जाए मेंस के लिए, ठीक है। और ये जो सिलेबस है ये बहुत वास्ट सिलेबस है, हम यूपीएससी जितना तो पढ़ ही रहे हैं इसमें, प्लस हमारी लैंग्वेज का पेपर हो रहा है, प्लस उसके साथ हमको राजस्थान और कवर करना होता है, तो इसको मिला के हमारे 33+ सब्जेक्ट हो रहे हैं। जो हमारा सिलेबस है उसको याद करने में 3 महीने निकल जाते हैं, ये देखो आप सारे सब्जेक्ट्स वगैरह को। तो हमको 3 मंथ का टाइम एक्सटेंशन चाहिए, मेन मुद्दा हमारा वही है। हम कोई अनौपचारिक तरीके से मांग नहीं रख रहे, हम लास्ट डेमोक्रेसी जो 4th पिलर है उसके पास आए इसी डिमांड को लेके कि आप हमको कवरेज दो, हम आरपीएससी और सरकार तक अपनी मांगे रखें। अगर पिछली सरकार हमारी सुन लेती तो हम सरकार ही चेंज नहीं करते। इस सरकार के सामने हमारा फर्स्ट मुद्दा है, हमको एक्सटेंशन चाहिए, हम आपसे नौकरी नहीं मांग रहे। प्री का जो एग्जाम है उससे पहले आपने तैयारी शुरू कर दी? हाँ, मैंने कर दी। ये जो 3 महीने का समय आपको मांगा दिया गया है, ये रिवीजन के लिए? ये रिवीजन के लिए, एग्जैक्टली। तो फिर रिवीजन तो किया जा सकता होगा सर? नहीं, 3 महीने में ये सब्जेक्ट्स कवर नहीं किए जा सकते। रिवीजन के लिए अगर हम डे के 15 आवर्स भी निकाले तो भी कम पड़ रहे, रिवीजन के लिए भी इसमें 6 महीने का टाइम चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट कम नहीं है हमारे, 33+ सब्जेक्ट हैं। अच्छा, ये जो सिलेबस है ये हर बार चेंज हो रहा है? हाँ, कुछ ना कुछ इसमें ऐड ऑन होता ही है। इवन 18 में तो 3 सब्जेक्ट और ऐड हो गए थे, बट 18 वालों ने बहुत बड़ा आंदोलन किया, अनौपचारिक तरीके से किया, हम वो नहीं चाहते। हम फॉर्मली अपनी डिमांड्स मीडिया के सामने और गवर्नमेंट के सामने रखना चाह रहे हैं। इसके लिए आगे आप यहां कोई धरना प्रदर्शन करोगे? आगे की आपकी क्या योजना है वो अभी तक आपने नहीं बताई। सर, ये हमारे जो लीडर हैं जो मेंस में हमारे स्टूडेंट्स में ही जिन्होंने प्री क्लियर कर लिया है, हम कोई वो गिरोह नहीं है जो पेपर आगे एक्सटेंशन के लिए बोलते रह रहे, नहीं। हम लड़कियां हैं, हम टाइम निकाल के आते हैं, हमारे पीछे हमारी फैमिली है। हमको ये शायद लास्ट अटेम्प्ट मिल रहा होगा मुझे तो मेंस का, इसके बाद मैं दे भी नहीं पाऊंगी। और आरपीएससी बोली 18 और 21 वाले बच्चे वो टाइम नहीं कर रहे, वो सिर्फ 500 स्टूडेंट है जो अलाइड सर्विसेज और कॉरपोरेटिव सर्विसेज में लगे हुए हैं और वो ना कहीं आरपीएससी से जुड़ते हैं, वो अपनी डिमांड सीधा सरकार तक पहुंचा सकते हैं, हम नहीं पहुंचा सकते। हम बेरोजगार हैं, सरकार ने ये वैकेंसी बेरोजगारों के लिए निकाली है, ना कि वो कॉरपोरेटिव सर्विसेज में ऑलरेडी उनके लिए नहीं है ये। देखिए, मैं आपको एक बार मैं पूरा ही बता देता हूं। 3 हमने प्रमुख काम किए इसको लेकर के। पहला काम, सब विधायकों से हमने समर्थन पत्र लिखवाए। अच्छा। उसके अलावा हम सभी सरकार के बड़े मुख्यमंत्री जी से और सब लोगों से मिले, पार्टी के भी हम अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, सब लोगों से मिले। उसके अलावा हमने ऑल इंडिया ट्विटर पर ट्रेंड करवाया, सोशल मीडिया पर बहुत अच्छे से।
तो इससे साबित होता है कि 95% और 5% की लड़ाई है। और तीसरी सबसे बड़ी बात कि हमने एक पैदल मार्च विशाल निकाला गोपालपुरा बाईपास वाली रोड पर, जिसके अंदर हजारों की संख्या के अंदर आरएस मेंस परीक्षा से जुड़े हुए छात्र शामिल हुए थे। इसके अलावा अब आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपनी बात सरकार तक पहुंचाना चाह रहे हैं। वैसे भी सरकार इस बात को जानती है और उस पर चर्चा कर रही है, लगातार हमको मौखिक आश्वासन दे रही है कि वो आगे बढ़ाएंगे, लेकिन जब तक वो कोई ठोस निर्णय नहीं लेती, देखिए ऐसा है, हमारा विरोध ना तो सरकार से है ना ही आरपीएससी से है। सरकार से विरोध होता तो राजस्थान का युवा सरकार को वोट देकर के सत्ता में नहीं लेके आता, पिछली सरकार को बदलता नहीं जो पेपर आउट, जिस सरकार के कार्यकाल में लगातार पेपर आउट हुए। ये जयपुर है साहब, जयपुर से पूरे राजस्थान की राजनीति तय होती है आने वाले। अगर जल्दी ही सरकार कोई निर्णय नहीं लेती है तो हम लोग इस आंदोलन को जो है बड़ा करते हैं, और इस हम देखिए हमारे पोस्टर में भी हमारे ये लिखा हुआ है कि राम राज्य की सरकार से छात्रों का आह्वान है कि राम राज्य में तो सभी खुश होते हैं, सभी सुखी होते हैं, तो छात्रों के बारे में भी सोचना चाहिए। और ये सरकार जो है इसी विषय को लेकर के आगे आई थी, हमारी कोई नई मांग पैदा नहीं हुई है, ये हर छात्र की मांग है। इस छात्र की मांग को उठाने के लिए साथ में जब विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी थी तो वो हमारे साथ सड़क पर खड़ी थी, लेकिन आज हम सब लोग सड़क पर हैं और सरकार से दोबारा गुहार लगा रहे हैं कि हमारी मांगों को आप लोग जो है जल्दी से जल्दी पूरा करवाइए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम बहुत जल्दी सांकेतिक धरना करने वाले हैं, कल एक हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन करेंगे जिसमें हम बजरंगबली से हम प्रार्थना करेंगे हम छात्रों की रक्षा करें और सरकार जो है क्योंकि हनुमान चालीसा पाठ में हनुमान चालीसा पाठ राजस्थान की शिक्षा के सबसे बड़े मंदिर राजस्थान विश्वविद्यालय की के सामने किया जाएगा और वहां पर सभी छात्र जो लोग हैं वो पहुंचेंगे। लक्ष्य प्रताप सिंह मेरा नाम है और जो छात्र संघर्ष ये जो समिति है इस सब हम लोगों की ये हम लोग सब छात्र इससे जुड़े हुए हैं, किसी बिना किसी नेता के, बिना किसी संगठन के और बिना किसी फंडिंग के, और इस आंदोलन को पहली बार चलाया जा रहा है, तो जब छात्र संगठित होता है तो अपनी मांगे मनवा सकता है। ये पूरे बेरोजगार छात्र राजस्थान सरकार से मांग कर रहे हैं कि आरएस की मेंस परीक्षा के लिए छात्रों को और समय दिया जाए। जनवरी में ये परीक्षा करा रहे हैं, अक्टूबर में जब प्री का रिजल्ट आया तब तक बच्चों को ये नहीं पता था कि मेंस की एग्ज़ाम कब होगी, तो छात्रों के साथ में एक ये बहुत बड़ा अन्याय है। 3 महीने का समय किसी भी एग्ज़ाम के लिए पर्याप्त कोई भी नहीं मान सकता, जब जिस एग्ज़ाम में 22 सब्जेक्ट हो बड़े बड़े जिनको पढ़ने में भी समय चाहिए। और दूसरी बात इसमें आप ये देखिए कि उस समय चुनाव थे, कर्मचारी वर्ग चुनाव में लगा था, उनको भी समय नहीं मिल पाया। और सबसे बड़ी बात जो इसमें निकल के सामने आ रही है कि उस समय बीजेपी सरकार ने बड़े बड़े वादे करे थे चुनाव को लेकर, उन्होंने कहा था कि हम सत्ता में आएंगे तो आरपीएससी को भंग कर देंगे, क्योंकि आरपीएससी पे इससे पहले भी पेपर लीक को लेकर बहुत सारे आरोप हजारों बार लग चुके हैं, आरएस को लेकर भी बहुत आरोप लगे आरपीएससी के ऊपर। जब सीपी जोशी जी ने खुद ने कहा कि हम आरपीएससी को भंग करेंगे, सुधार करेंगे, चलो हम भंग करने की मांग नहीं करते लेकिन कम से कम आप आरपीएससी में कोई सुधार तो करिए, उसके बाद परीक्षा कराइए। आज आप आरएस मेंस की परीक्षा करा रहे हो आनन फानन में, अगर ये एग्ज़ाम होती है और इसका पेपर लीक हो जाता है तो जिम्मेदार कौन होगा? तो सब ये छात्रों ने यहाँ मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और सरकार से ये निवेदन कर रहे हैं कि इनको एग्ज़ाम में बैठने के लिए और समय दिया जाए जिससे इनकी तैयारी भी हो सके और सरकार आरपीएससी में सुधार भी कर सके। जब पेपर हो तो पूरी ईमानदारी से हो, पारदर्शिता से हो, जिससे छात्रों को भी लगे कि वास्तव में बीजेपी सरकार ने कोई बदलाव किया है, कोई काम किया है, नहीं तो पेपर तो होते रहते हैं। आपने देखा कांग्रेस सरकार में इतने सारे पेपर लीक हुए, बेरोजगार छात्रों ने कितने सारे कष्ट भोगे हैं और ये बेरोजगार छात्रों की वजह से ही आज कांग्रेस सरकार सत्ता से चली गई। अगर ये चीज़ें अब भी अगर चलती रहेंगी तो आने वाले समय में भी लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं कि अगर बेरोजगारों को सुना नहीं जाएगा तो बेरोजगार साहब ऐसा है, बेरोजगारों को जाते नहीं होती, बेरोजगारों की अगर मांगों पे काम नहीं होगा तो बेरोजगार जवाब देना जानते हैं इस चीज़ का।